जय हिंद। वुमेन एम्पावरमेंट, स्पेशली वी टॉक अबाउट इंडियन वुमेन कम्युनिटी। पीसीपी पीएनडीटी एक्ट, कन्या भ्रूण हत्या का अधिकार। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013, सीआरपीसी सेक्शन 46, रेप की शिकार हर महिला को कानूनी अधिकार है भारत के संविधान के अनुसार। समान वेतन का अधिकार, समान वेतन अधिनियम 1976, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, ये पावरफुल अधिकार है विशेष महिलाओं के लिए। हिंदू उत्तराधिकारी नियम, हिंदू सेसेशन एक्ट 1956, प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी का अधिकार। सीआरपीसी सेक्शन 125, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24। व्हेन वी से द नॉलेज इज पावर, इट मस्ट अप्लाई इन एवरी फील्ड एंड एवरी वे इन दिस वर्ल्ड, एंड वी टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि बेटियों को ज्ञान दीजिए, मगर उनके अधिकारों का ज्ञान, जिनके बारे में उन्हें पता होना चाहिए। आज उस ज्ञान की बात करनी पड़ेगी। मुझे लगता है इस देश में बहुत कम लोग जो हैं वो जानते हैं इन अधिकारों के बारे में, स्पेशली वो लोग जो गांव से ही या रूरल इंडिया से आते हैं। स्पेशली पहले बेटियों को सुरक्षा दीजिए, महिलाओं को सुरक्षा दीजिए, लेकिन इसके लिए बेटियों को जन्म देना पड़ेगा। बेटियों को जन्म देंगे तो ही उनके अधिकारों की बात कर पाएंगे। कन्या भ्रूण हत्या का अधिकार, गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग या जेंडर की जांच करवाना अपराध है। आप इसकी शिकायत सीधे किसी भी थाना अधिकारी से कर सकते हैं, आपकी सुनवाई होगी, कोई भी मना नहीं कर सकता। इस अधिनियम का नाम है PCPNDT एक्ट। इसके तहत आप शिकायत दर्ज करवा सकती हैं, जो कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ विशिष्ट अधिकार देता है। बच्ची को इस दुनिया में आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ऐसा होता है तो आप कंप्लेन कीजिए, उसका विरोध कीजिए। अब बात करते हैं, जब भी बेटियां बड़ी होती हैं, लड़कियां बड़ी होती हैं, तो उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। स्पेशली हमारे यहाँ देखा गया है डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है घर में, घरेलू हिंसा, वो ज़्यादातर रिपोर्ट नहीं होता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत पत्नी अपने पति या उसके परिवार के खिलाफ किसी भी प्रकार का टॉर्चर अगर होता है उसके परिवार के उसके ऊपर, तो उसका शिकायत करवा सकती है। घरेलू हिंसा एक्ट 2005 के तहत ये महिला को हक देता है। इसमें महिला गुजारे भत्ते की मांग भी कर सकती है। फिर आते हैं जो लोग कॉरपोरेट्स में काम करते हैं, कहीं भी, स्पेशली लड़कियां या महिलाएं जहां काम करती हैं, वर्किंग प्लेस पे अगर उनके साथ उत्पीड़न होता है, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 के तहत महिला कहीं पर भी शिकायत दर्ज करवाने की ताकत रखती है, किसी भी पुलिस स्टेशन में, कहीं भी करवा सकती है। आप कहीं भी सर्च करके देख लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो महिलाओं के हक के लिए हैं, कृपया करके सर्च करके उसके बारे में पढ़िएगा। और सबसे बड़ी बात, जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, इस कार्रवाई चलेगी, उस महिला को 90 दिन की पेड लीव मिलेगी, और इस पेड लीव में सैलरी में एक भी पैसे की कटौती नहीं कर सकता कोई भी। अगर ऐसा हो रहा है तो आप इंडिविजुअल या उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कंप्लेन कर सकती हैं, ये आपको हक है। किसी भी प्रकार का हरासमेंट, स्पेशली रेप केस में, कोई भी लड़की या महिला पुलिस अधिकारी के सामने, जो महिला पुलिस अधिकारी के सामने ही अपना बयान दर्ज करवाएगी, या किसी जिला अधिकारी के सामने शिकायत दर्ज करवा सकती है। बदनामी के डर से जो महिलाएं ऐसा नहीं करती हैं, ये नहीं कर पाती हैं, उनके लिए सरकार ने, भारतीय सरकार ने ये विशेष अधिकार दिए हैं, कृपया इसका उपयोग कीजिएगा। विरोध की पद्धति लाइए, क्योंकि जब तक आप विरोध नहीं करेंगी, कुछ भी नहीं बदलेगा और आपका अपमान होता रहेगा। इस अधिनियम में और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो महिलाओं को दी गई हैं, कृपया उनका इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको बताता हूँ क्या है वो। जैसे रेप केस की सुनवाई केवल महिला पुलिस जज ही करेगी, नंबर एक। नंबर दो, आपका जो भी स्टेटमेंट होगा वो महिला अधिकारी ही दर्ज करेंगी। नंबर तीन, पीड़ित महिला का बयान लोकल गार्जियन या पेरेंट्स के सामने ही होगा।
सुनवाई को 2 महीनों में पूरा करने की कोशिश की जाएगी क्योंकि ये कानून के अंतर्गत है। महिला को रात में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सीआरपीसी सेक्शन 46 के तहत किसी भी महिला को सूरज डूबने से लेकर सूरज उगने से पहले तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सिर्फ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के आदेश पर ऐसा हो सकता है। बगैर वारंट के किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते। किसी कारणवश अगर महिला को गिरफ्तार करना पड़ता है तो नज़दीकी गार्जियन या रिश्तेदार या पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट है गरिमा और शालीनता का अधिकार। अगर मान लीजिए किसी महिला से कोई गलती हुई है या हो जाती है तो उसका जो मेडिकली चेकअप है, जो जांच होगा, वो महिला डॉक्टर ही करेगी। अगर ऐसा संभव नहीं है, पुरुष डॉक्टर जांच करता है, तो 2 महिलाएं वहां उपस्थित होनी चाहिए, मतलब प्रेजेंट होनी चाहिए। 2 महिलाएं और होंगी उस पीड़ित महिला के साथ, तब वो मेल जो पुरुष डॉक्टर है उसका चेकअप कर सकता है। मुफ्त कानूनी मदद, लायर, रेप केस में ये आपका अधिकार है, मिलेगा आपको। और ये कोई भी थाना अधिकारी या उसका जो भी सीनियर मोस्ट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लीगल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करेगा और वकील की व्यवस्था करने के लिए कहेगा, क्योंकि भारत में रहने वाली हर महिला का अधिकार है। नेक्स्ट आता है सम्मान वेतन का अधिकार। सम्मान वेतन अधिनियम 1976, इसके तहत एक ही तरीके के काम करने के लिए महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं होगा। वेतन एक समान होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ शिकायत कर सकती हैं। ये आपका कानूनी अधिकार है। मैटरनिटी राइट्स, याद रखिए, मैटरनिटी बेनिफिट्स राइट एक्ट 1961 के तहत हर कामकाजी महिला को अधिकार है। यह प्रेग्नेंट कामकाजी महिला का अधिकार है। हर प्रेग्नेंट महिला को अधिकार है कि उसे 26 वीक की लीव ले सकती है। इस लीव में के पीरियड में सैलरी में एक भी पैसे की कटौती नहीं होगी। अगर कोई आपको बोलता है कि आपकी सैलरी कटेगी या आपका हाफ पे मिलेगा, ऐसा कुछ होता है, तो आप इसकी शिकायत कर सकती हैं। ये आपका अधिकार है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी में अधिकार। हिंदू सशेशन एक्ट 1956 के तहत पिता की प्रॉपर्टी में एक बेटी का विशेष अधिकार दिया गया है। यहाँ तक कि शादी के बाद भी महिला अपने पिता की संपत्ति में पूरा हक रखती है, लेकिन पति के पिता से जुड़ी संपत्ति में आपका कोई भी मालिकाना हक नहीं होता। सिर्फ मैरिड वुमेन्स, ओनली मैरिड वुमेन्स के लिए सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत आई विश यू वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, बट लेकिन कभी ऐसा होता है कि अगर पति पत्नी में ना बने तो पत्नी के क्या अधिकार हैं? तो पत्नी सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत अपने और अपने बच्चों के गुजारे के लिए गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है। अगर मान लीजिए नोबल डाइवोर्स तक आ जाती है, पहुंच जाए, तो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 के तहत मुआवजे की राशि तय होती है। शिकायत कहाँ और कैसे करें, ये बड़ा सवाल है। सिंपल है, शिकायत आप ऑनलाइन भी कर सकती हैं और ऑफलाइन भी कर सकती हैं। कोशिश कीजिएगा कि इन अधिकारों की नौबत कभी ना आन पड़े। अगर आती है तो इनका उपयोग ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी, मैं चाहूँगा कि ये जानकारी आप अपनी माँ, बहन, बेटी और अपने दोस्तों को, महिला दोस्त, उन सबको बताएं ताकि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट तभी संभव होगा जब उन्हें इन विशेष अधिकारों का पता होगा। और इन अधिकारों के बारे में कृपा करके सबको बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।